हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एंड आवर टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ एंगल बी जो है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। जब एंगल बी हमारा 90 डिग्री हुआ तो रिमेनिंग जो टू एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी हमारा 90 डिग्री हुआ, जो रिमेनिंग जो टू एंगल है वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री के एंगल होंगे। पूरा ट्रायंगल हमारा 180 का होता है, उसमें से ये जो एंगल बी है वो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो जो रिमेनिंग टू एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल बी का अपोजिट साइड हुआ हमारा हाइपोटेनस साइड। ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे तीन साइड है, उसमें से जो 90 का एंगल है उसका अपोजिट साइड, 90 के एंगल का जो अपोजिट साइड रहेगा वो हमेशा हाइपोटेनस साइड रहेगा। अब बचे हमारे टू साइड, उसमें से एक साइड होगा हमारा अपोजिट साइड और सेकंड साइड होगा एडजेसेंट साइड। अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए का बीसी अपोजिट साइड है और एंगल ए का ए बी एडजेसेंट साइड है। तो देखिए, यहाँ लिखा है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ये तो हुई बात हमारे एंगल ए की। अब हम बात करेंगे एंगल सी की। फिर से देखिए, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ बी हमारा 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड हुआ हाइपोटेनस साइड। फिर से हमारे टू साइड्स है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अब हम बात करेंगे एंगल सी की। एंगल सी का ए बी हुआ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी और बी सी हुआ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। देखिए, एक तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हो गया 90 डिग्री। अब रिमेनिंग टू एंगल के हमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड फाइंड करना है। अपोजिट साइड डिपेंड है हमारे, अगर एंगल हमारा ए है तो ए का अपोजिट साइड हुआ बी सी, और एंगल अगर सी है तो एंगल सी का अपोजिट साइड हुआ ए बी। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें बताना है, हमें राइट करना है साइड अपोजिट टू एंगल पी, साइड अपोजिट टू एंगल आर एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर। देखिए, क्यू हमारा 90 डिग्री है, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है ये साइड हुई हमारी हाइपोटेनस साइड। अब हम अगर एंगल पी की बात करें तो एंगल पी का अपोजिट साइड हुआ हमारा क्यू आर। एंगल पी के लिए हमारा क्यू आर हुआ अपोजिट साइड और पी क्यू हुआ एडजेसेंट साइड। पहले हम एंगल पी का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड लेंगे। तो बताइए, साइड अपोजिट टू एंगल पी, साइड अपोजिट टू एंगल पी कौन सा है? साइड अपोजिट टू एंगल पी है हमारा साइड क्यू आर, तो हम यहाँ लेंगे क्यू आर। अब बताइए, एट साइड एडजेसेंट टू एंगल पी कौन क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल पी है हमारा पी क्यू, तो यहाँ आएगा पी क्यू। अब हम यही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंगे एंगल आर के एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। यह हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, तो ये हुआ हमारा हाइपोटेनस साइड। अब हम बात करेंगे एंगल आर की। तो बताइए, एंगल आर का अपोजिट साइड कौन सा है? ये आर का अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो बताइए, यहाँ
एंगल आर में अपोजिट साइड कौन सा है? एंगल आर में अपोजिट साइड है हमारा पी क्यू, और एंगल आर का एडजेसेंट साइड है हमारा आर क्यू। ये हमारा एडजेसेंट साइड है। ये थे हमारे टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।